दोस्तों आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ साथ कुछ हिंदू ऐसे भी हैं जो इमाम हुसैन को बहुत ही ज्यादा मानते हैं। दोस्तों ये लोग न सिर्फ मानते हैं बल्कि इमाम हुसैन से अपने रिश्ते को जोड़कर तरह तरह के दावे भी करते रहते हैं। दरअसल इन हिंदुओं को हुसैनी ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। मगर दोस्तों सवाल ये है कि आखिर इन लोगों का इमाम हुसैन से क्या रिश्ता है। दरअसल इन हुसैनी ब्राह्मण के मुताबिक इनके बाप दादा इमाम हुसैन के साथ करबला के मैदान में यजीद के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए थे। दोस्तों कुछ हुसैनी ब्राह्मण के इतिहासकारों के मुताबिक जब करबला के मैदान में यजीद के लश्कर ने इमाम हुसैन को पूरी तरह से घेर लिया था तो इमाम हुसैन ने अपनी मदद के लिए कुछ लोगों को खत लिखा था। उन खतों में से एक हिंदुस्तान के राजा समुद्रगुप्त को भेजा था। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त को खत मिलते ही एक बड़ी फौज के लश्कर करबला की तरफ रवाना कर दिया था। मगर जब तक ये फौज करबला पहुँच पाई तब तक इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया था। कहा जाता है कि बाद में मुख्तार सफकी के साथ मिलकर इसी फौज ने इमाम हुसैन के दुश्मनों से लड़ाई लड़ी थी। यही वजह है कि इसी फौज के औलादों को आगे चलकर हुसैनी ब्राह्मण के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों इसके बारे में आपका क्या राय है प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताना।